सो हाय फ्रेंड्स, तो फ्री फायर गेम में 12 जून 2022 को आ गया है फिन पैट। तो मैंने फिन पैट को ले लिया है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये फिन पैट है और इसका लुक देखिए एकदम शार्क की तरह है। तो हम लोग इसको मैक्स लेवल का जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिन पैट की एबिलिटी गेम में जा कर के टेस्ट करेंगे कि आखिरकार फिन पैट क्या क्या कर सकता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको मैक्स लेवल का कर लेते हैं। तो इसके साथ फिन पैट हो गया मैक्स लेवल का और मैक्स लेवल पे हम लोग को ये वाला स्किन मिल जाता है। तो अब हम लोग फिन पैट को लेके गेम के अंदर जाएंगे और एबिलिटी टेस्ट करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि मैक्स लेवल का फिन पैट जो फ्री फायर का न्यू पैट है वो क्या कर सकता है। तो आप लोग स्क्रीन पे गौर से देखिए, यहाँ मैं फिन पैट का यूज कर रहा हूँ, वो भी मैक्स लेवल फिन पैट का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए एक इनिमी मेरे ऊपर रश कर देता है। अब देखिए मैं जल्दी से इसको डाउन करता हूँ और जैसे डाउन करता हूँ वैसे फिन पैट का एबिलिटी चलता है और इसी कारण से मैं दूसरा इनिमी को मार पाता हूँ। अगर मैं फिन पेट का एबिलिटी नहीं रहता तो दूसरा इनिमी हमको इजी से मार देता। तो आपको अगर यहाँ पता नहीं चला तो चलिए मैं स्लो करके आपको दिखाता हूँ कैसे। तो आप लोग जो है ना फिन पेट की एबिलिटी पे ध्यान दीजिए, जैसे मैं इस इनिमी को डाउन करता हूँ तो फिन पैट की एबिलिटी देखिए यहाँ एक्टिव हो जाता है। तो फिन पैट क्या करता है ना, हमारा मूवमेंट स्पीड को 4% बढ़ा देता है। तो देखिए जैसे 4% मूवमेंट स्पीड बढ़ाया इसलिए मैं जल्दी से ऊपर की तरफ भागा तो मैं बच पाया, क्योंकि मेरा मूवमेंट स्पीड पहले से थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब 4% ज़्यादा हो जाता है फिन पैट के कारण मूवमेंट स्पीड, इसीलिए मैं यहाँ पर बच पाया इनिमी से और इनिमी को डाउन कर पाया, क्योंकि मेरा स्पीड फिन पैट ने यहां पर थोड़ा सा एकदम 4% बढ़ा दिया था। तो फिन पैट की यही एबिलिटी है कि फिन पैट जो 4% मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकता है, ना कि मेरा मूवमेंट स्पीड 4% बढ़ाएगा, पूरा टीममेट का 4% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देगा, मतलब मेरा फ्रेंड जितना है सबका 4% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। तो देखिए कब मूवमेंट स्पीड 4% बढ़ेगा तो मैं आपको आगे बताता हूं। तो फिन पैट की एबिलिटी है कि फिन पैट के आसपास 20 मीटर के एरिया में अगर कोई इनिमी डाउन हुआ तो फिन पैट की एबिलिटी एक्टिव हो जाएगा और इस टाइम जो है ना चारों फ्रेंड का मूवमेंट स्पीड 4% बढ़ जाएगा, नॉर्मल से 4% ज़्यादा हो जाएगा मूवमेंट स्पीड। तो आपको समझ में आ गया कि अगर मेरे 20 मीटर के एरिया के अंदर कोई इनिमी अगर डाउन हो जाएगा तो मेरा मूवमेंट स्पीड तो 4% बढ़ ही जाएगा, साथ में सारे फ्रेंड का मूवमेंट स्पीड 4% बढ़ जाएगा। ये फिन पैट की एबिलिटी है और ये एबिलिटी अगले 5 ही सेकंड तक एक्टिव रहेगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिन पैट की एबिलिटी यूज करने के लिए आपको 90 सेकंड तक रुकना पड़ेगा, 90 सेकंड में फिर से चार्ज हो जाएगा या बोल सकते हैं कूल डाउन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फिन पैट की एबिलिटी फिर से यूज कर सकते हैं। मतलब तो आप लोग यहां देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से फिन पैट चार्ज हो रहा है। तो मतलब कि फिन पैट का यूज आप 90 सेकंड में एक बार कर सकते हैं और इसकी एबिलिटी का जो टाइमिंग है वो 5 सेकंड तक है, एक बार एक्टिव होने के बाद इसकी एबिलिटी 5 सेकंड तक एक्टिव रहता है। तो ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं फिन पैट की एबिलिटी बहुत 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 ज्यादा ओपी है क्लैश स्क्वाड के लिए। मतलब कि मेरे 20 मीटर के एरिया के अंदर अगर कोई एनिमी डाउन हुआ या फिर मेरा कोई फ्रेंड ही क्यों ना डाउन हो गया तो फिन पैट की एबिलिटी एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद मेरे साथ साथ मेरे सारे फ्रेंड का मूवमेंट स्पीड 4% बढ़ जाएगा अगले 5 सेकंड के लिए। और एक बार फिन पैट की एबिलिटी अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो उसके 90 सेकंड बाद फिन पैट की एबिलिटी दोबारा यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्लैश स्क्वाड के प्रत्येक राउंड में फिन पैट की एबिलिटी आराम से यूज कर सकते हैं और फिन पैट की एबिलिटी कितना ज़्यादा ओपी है आपको पता चल ही गया, क्योंकि ये सारे फ्रेंड को अपनी एबिलिटी देता है, सारे फ्रेंड का 4% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देता है और 4% मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, इसको कम मत समझिएगा। मतलब ओवरऑल फिन पैट एकदम ओपी पैट है और मैंने इस वीडियो में आपको फिन पैट की पूरी एबिलिटी को बता दिया, ठीक ना। तो आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर कर दे लाइक और चैनल को 100% कर दे सब्सक्राइब।